रामपुर में प्रधानमंत्री योजना के नाम पर एक किसान से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी होने का मामला सामने आया है। किसान रामरतन के पास लखनऊ से एक फोन आया जिसमें उसे 14 लाख रुपए मिलने की बात कही गई। साथ ही कहा गया कि ये पैसा विदेशी मुद्रा में होगा जिसे बदलवाने के लिए RBI के अधिकारी को पैसा देना होगा, जिसके लिए उन्होंने करीब 2.5 लाख रुपए दे दिए। जब उन्हें पता चला कि उनके साथ ये ठगी हो गई है तो उन्होंने रामपुर के SP से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल SP के आदेश पर थाना शहजाद नगर की पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लगभग 2.5 लाख रुपए की ठगी है इनके साथ। ये रामरतन नाम का एक व्यक्ति है जो मोमिनपुर थाना शहजाद नगर में लगता है उसका रहने वाला है। सीधा साधा व्यक्ति है। इसको एक प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लखनऊ से फोन आया और बोला कि ये आपके खाते में, आपका खाता जीरो बैलेंस वाला है और जीरो बैलेंस खाते में 14 लाख रुपए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आपको मिलेंगे और आपको ये विदेशी मुद्रा में मिलेंगे पैसे और कन्वर्ट कराने के लिए आपको RBI अधिकारी, उसने एक नाम बताया, RBI अधिकारी का नाम है आयकर शर्मा, उस नाम से बताया। दो लोग थे, एक लखनऊ का बताते थे अपने को, एक RBI बैंक अधिकारी बताते थे अपने को। और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मतलब है कि आपको 2.5 लाख रुपए प्राप्त होगा। अच्छा, कि 2.5 लाख रुपए प्राप्त होगा, आप 15,500 रुपए लगाइएगा। 15,500 रुपए लगवाए खाते में जी। फिर बोले कि भाई आप 14,500 रुपए और लगाइएगा। इस तरीके से मतलब ये, फिर बोले 21,000 रुपए लगाइए आप। अब बाद में कि भाई मुद्रा में मतलब है पैसा तो वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हुआ उसका? उसमें लगवाया उन्होंने 60,000 रुपया। फिर उसके बाद बोले आपका मतलब है कि इनकम टैक्स लगेगा आपको। फिर इनकम टैक्स के लिए लिया हमसे, फिर सेल टैक्स के लिए लिया, फिर बोले आपका बीमा नहीं है।